अलीगढ़ जिले के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सियाराम वृद्धाश्रम में रहने वाले इन बुजुर्गों को, जहां अपनों के होते हुए भी यह बुजुर्ग लोग इस दुनिया में अपनों के बीच बैगाने बने सियाराम वृद्धाश्रम में रहकर अपनी जिंदगी के बचे एक एक दिन को पूरा कर रहे हैं, तो वहीं ऐसे में किन्नर समाज ने सियाराम वृद्धाश्रम में पहुंचकर अनाथ बुजुर्गों की मदद करते हुए समाज को आईना दिखाने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने अपने बुजुर्ग माँ बाप को बुढ़ापे में नहीं अपनाया, ऐसे बुजुर्गों को सियाराम वृद्ध आश्रम के लोग अपने आश्रम में रखकर उनकी बीमारी से लेकर खाने पीने की व्यवस्था करते हुए देखरेख कर रहे हैं। ऐसे में उनकी अलीगढ़ के शहर वासियों से आह्वान है कि किन्नर समाज की तरह ही अलीगढ़ के लोग निकल कर सामने आए और सियाराम वृद्ध आश्रम में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के अनाथ बुजुर्गों की धर्म से हटकर आर्थिक मदद करें। गुरु जी, आपने वृद्धाश्रम की जो मदद की है, इसमें कुछ कहना चाहेंगे? जय हिंद, जय भारत। मैं चवन्नी माई नई बस्ती अलीगढ़ से हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोगों ने मदद करी है, ऐसे ही लोग आगे बढ़ बढ़ के आएँ और इन लोगों की मदद करें, जो आगे इनको सहयोग मिले और हम लोगों को भी सहयोग मिले और इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। अभी मेरे चेले ये सबरे आएँ और हम लोग आएँ, तो हमने भी जो बना है अपने मदद करी है। ऐसे ही मैं हाथ जोड़ के निवेदन और विनती करना चाहती हूँ शहरवासियों से कि आके इस आश्रम को देखें, समझें और इसकी मदद करें। और अभी इस आश्रम में बहुत ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है। अभी तो ये पंडित जी के द्वारा जैसे भी चल ही रहा, हमें अभी महीने 15 दिन से पता लगा इस चीज़ का, तो हम लोग आज आएँ और हमने देखा है, हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत मन को शांति मिल रही है। और ये बड़ी बूढ़ी माँ हैं, ये बड़े बूढ़े भाई हैं, इन लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिनके औलाद ने नहीं इनको अपनाया बुढ़ापे में, नहीं इनको अच्छा समझाया हारी बीमारी लोगों को, तो इस चक्कर में ये आश्रम में रहते हैं और इनका जहाँ इलाज और खाना पीना सब कुछ चल रहा है। और आगे से आगे हम लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इसकी बहुत सेवा करेंगे और ये बहुत पुण्य का धर्म का काम है। इसमें कोई भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम आ सकता है, रह सकता है और मदद करने के लिए भी दोनों जाति आ सकती हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब धर्म एकता का काम है। ये जय हिंद जय भारत नहीं कहना चाहूँगी।